और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी साझा की कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने की अपील की है। आपको बता दें कि रविवार को ही कमलनाथ के साथ सीएम शिवराज से दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की थी और अब वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हल्के लक्षण उनमें नजर आए थे, जिसके बाद जांच कराई गई तो कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। संपर्क में आए सभी लोगों से जांच कराने की अपील की गई है। ये उस वक्त की तस्वीर जब धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में धरने में मौजूद थे। किसान भी धरने में शामिल थे, भीड़ में जबकि मौजूद थे। और आपको बता दें इसके बाद 23 जनवरी को सीएम शिवराज से भी मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के बाद अगर छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखें तो यहां पर भी कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चिंताजनक स्थिति यह है कि मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से रिकॉर्ड मौत सामने आई है। तीसरी लहर में पहली बार एक साथ 19 मौतें दर्ज की गई। आपको बता दें कि दूसरी लहर में एक दिन में 17 मौतें हुई थी, लेकिन अब दूसरी लहर का भी रिकॉर्ड टूटा है और 19 मौतें छत्तीसगढ़ में हुई है। 4509 मरीज सामने आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए चिंताजनक स्थिति यह है कि मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और बढ़ते संक्रमण के साथ ही पॉजिटिविटी दर भी 10% के करीब पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 957 नए मरीज और दुर्ग में 710 मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर जांजगीर चांपा में 321 मरीजों में संक्रमण मिला है। हालांकि राज्यों में भले ही संक्रमण बढ़ रहा हो, लेकिन देश की अगर बात की जाए तो यहां पर कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। लगातार चौथे दिन 24 घंटे में आपको बता दें लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। 24 घंटे के यदि आंकड़े देखें तो 2,00,000 से भी ज्यादा कुछ नए मरीज सामने आए। हालांकि ये बाकी दिनों की अपेक्षा कम है। 607 लोगों की कोविड से मौत हुई है, 2,66,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। तो देखिए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, लेकिन रिकवर करने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या से ज्यादा है, तो ये राहत की बात कही जा सकती है। पिछले दिनों के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 53,000 की कमी दर्ज की गई है।